अलग है सास ससुर, सुहानी अय्यर गोविंद। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भाई अब ये कैसा नाम है, इस लड़की के नाम में दो दो सरनेम्स क्यों? अरे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही मिल लीजिए हमारी सुहानी अय्यर गोविंद से। आइए आया या सुहानी, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, कितना लेट हो रहा है तुम्हें ऑफिस में, अभी मुर्गन के मंदिर में भी जाना है। अरे हमने कितनी बार कहा इस लड़की से कि जल्दी तैयार हो जाया करे, लेकिन हमारी सुनती कहाँ ये लड़की। अब जल्दी करो बिटिया, हमने सत्यनारायण की पूजा भी की है, उसका प्रसाद लेकर आओ। अयो मुर्गन आ रहे हैं हम, बस अभी हो गई तैयार, लीजिए। अयो कितने सुंदर लग रही है मेरे बेटे। हमारी बेटी? हाँ वही, तुम तो जब तक जेलस होता रहता। अरे आपसे क्या जलसी जानकी जी, आप तो हमारा प्यार हैं। अयो हम भी यहाँ हैं, जरा से लियाज कर लीजिए अब दोनों। अरे चलो चलो, अब आप इसके लिए लेट हो रहा है तुमको, है कि नहीं? मैंने डोस डाला है टिफिन में, याद से खा लेना। अरे हम कचोरी लाए हैं आपके लिए बिटिया, वो भी खा लेना। ठीक है, शाम को मिलते हैं। अब तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि सुहानी के सरनेम में अय्यर और गोविंद क्यों है। सुहानी की माँ अलग कास्ट से और पिता अलग, लेकिन हमारी सुहानी अपने दोनों माता पिता के सरनेम का उपयोग करती है। लेकिन अब उनके नाम में वो एक और सरनेम को भी जोड़ना चाहती है। आइए उनसे भी मिल लेते हैं। गौरव, सॉरी सॉरी मैं लेट हो गई। मिस गौरव सचदेव कहिए, मैं आपका बॉस हूँ। बॉस तुम मेरे ऑफिस में हो और मैं तुम्हारी मैनेजर, लेकिन ऑफिस के बाद में मैं तुम्हारी बॉस हूँ, है कि नहीं? अरे आप तो मेरी बॉस बेगम राजकुमारी, जो कह लो सब है, आप बस हुक्म कीजिए। अच्छा तो फिर मुझे आज कहीं घुमाने ले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा रानी साहिबा। सुहानी और गौरव की मुलाकात ऑफिस में ही हुई थी। जहाँ सुहानी उस कंपनी में मैनेजर थी, वहीं गौरव उस कंपनी के बॉस थे। दोनों एक दूसरे को पिछले दो सालों से पसंद करते थे और अब शादी के बारे में सोच रहे थे। तुमने अपने मम्मी पापा से बात की? बस सोच रहा हूँ कि आज घर जाकर बात कर लूँ, वैसे भी वो कितने वक्त से कह रहे हैं कि शादी कर लो, तो अब सोच रहा हूँ कि उन्हें बता ही दूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हें क्या लगता है वो मानेंगे? मेरे मम्मी पापा अलग अलग कास्ट से, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना हमारे रिश्ते से? सुहानी हम आज के ज़माने में रहते हैं, आजकल ये सब पुरानी और दकियानों सी बातें कौन सोचता है। मेरे माता पिता पढ़े लिखे हैं और तुम इंसान हो, कोई एलियन नहीं हो जो वो मना कर देंगे। हाँ पर फिर भी पता नहीं क्यों डर लग रहा है। वैसे बात तो तुम्हें भी करनी है अपने मम्मी पापा से, वो सोचा है कि नहीं? अरे मेरे मम्मी पापा भला क्यों ही मना करेंगे, उन दोनों ने खुद लव मैरिज की, वो मुझे मना नहीं कर सकते। हाँ ये बात तो है, उन दोनों ने खुद लव मैरिज की है तो वो हमारे प्यार को तो समझ ही जाएंगे। तुम आज हमारे मम्मी पापा से बात करना, फिर मैं और तुम साथ मिलकर मेरे मम्मी पापा के साथ बात करने जाएंगे, ठीक है? ठीक है। सुहानी अपने माता पिता से ज्यादा गौरव के माता पिता के लिए परेशान थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके माता पिता उसके प्यार को जरूर समझेंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि वो जो सोच रही है उसके माता पिता उससे बिल्कुल अलग ही बर्ताव करेंगे। आया तुम क्या बोल रहा सुहानी? नहीं नहीं भूल जाओ ये सब। ये आप दोनों कैसी बात कर रहे हैं? अम्मा पापा मुझे लगा कोई हमें समझे ना समझे, आप दोनों तो हमें समझोगे ही। आया हम सब समझ रहे हैं, तभी तो तुमको ना बोल रहे हैं सुहानी। तुम ये लव मैरिज का ख्याल अपने मन से निकाल दो, वही ठीक है। और वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र क्या है? अम्मा मैं 25 की हूँ, यही उम्र होती है शादी की, और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो कुछ समझ नहीं रही हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, बालिग हूँ। मैं और गौरव एक दूसरे से ऐसे ही बच्चों वाला प्यार नहीं करते, हम दोनों सीरियस हैं इस बात को लेकर, तभी तो अपने माता पिता से बात कर रहे हैं। अभी तो मैं कह रही हूं कि उसके माता पिता नहीं मानेंगे, तुम दोनों को पता नहीं क्या क्या सुनाएंगे, क्या क्या कहेंगे, और तो और तुम्हारे माता पिता के बारे में भी तुमको बहुत सुनाएंगे। जानकी सही कह रही है सुहानी, तुम नहीं जानती कि यह सब जितना लगता है उतना आसान नहीं है बिटिया। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, आप लोग पहले से मना कर रहे हैं, आप दोनों की लव मैरिज है, आप दोनों को तो मेरा साथ देना चाहिए ना।
हम दोनों तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे, और इस बात को यहीं खत्म कर दो बिटिया। अम्मा पापा, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। सुहानी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके अम्मा पापा इस बात में उसका साथ नहीं देंगे। सुहानी ने जब ये बात गौरव से की तो उसके भी होश उड़ गए। क्या तुमने ठीक से बात तो की ना उनसे? अरे ठीक से क्या होता है, मैंने उन्हें कितना समझाया कितना मनाया, लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। कह रही इस बारे में वो आगे कोई भी बात नहीं सुनेंगे। मुझे लगा था मेरे माता पिता इस बात को लेकर बवाल करेंगे, लेकिन यहाँ तो जिनसे उम्मीद थी वही हमारे साथ ऐसा कर रहे। अब मैं अपने माता पिता से कैसे बात करूं? मुझे भी यही डर लग रहा है। मुझे लगा था अगर तुम्हारे माता पिता नहीं मानेंगे तो मेरे अम्मा और पापा उन्हें मनाएंगे। यहाँ तो यही दोनों हमारे रिश्ते के खिलाफ है। लेकिन ऐसी कोई तो बात होगी जिसके लिए वो हमारे रिश्ते के लिए मान नहीं रहे। एक काम करते हैं, हम दोनों आज साथ में उनसे बात करते हैं, शायद वो लोग हमारे प्यार को समझे। सुहानी और गौरव शाम को साथ में जानकी और श्याम के पास आते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि शायद उन्हें साथ में देकर उनका फैसला बदल जाए। आया या सुहानी, मैंने कहा था कि हमको इस बारे में बात ना करने। आंटी देखिए, मैंने ही कहा था सुहानी से कि हम दोनों साथ में बात करते हैं। देखो बेटा, हम इस रिश्ते के खिलाफ है, इसलिए आगे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अंकल, आपने और आंटी ने भी लव मैरिज की, आप लोग तो हमारी बात को समझिए। आया या हम समझ रहे हैं, तभी बोल रहे हैं। नहीं, आप नहीं समझ रहे, मैं गौरव से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी, बस। सुहानी शांत हो जाओ। हम दोनों भी इसी जोश में थे जब हमारे माता पिता से बात करने गए थे। हम सच में जानकी से प्यार करते हैं पापा। तुम जानते हो ना कि इस घर में ये प्यार और लव मैरिज की बातें नहीं होती। अरे क्या देख लिया तुमने उस मद्रासन में, जो अपने माता पिता के खिलाफ जाने को तैयार हो। जानकी बहुत अच्छी लड़की है माँ, प्लीज हमें आशीर्वाद दे दीजिए। हम दोनों ने जैसे तैसे करके गोविंद और मेरे माता पिता को मना तो लिया, लेकिन वो हमें कभी भी अपना नहीं पाए। उनके माता पिता ही क्यों, हम दोनों के परिवार में हमें कोई भी नहीं अपना पाया। हम दोनों को हमेशा ही अलग नज़र से देखा जाता रहा। हम कभी भी किसी भी फंक्शन में जाते तो हमारे परिवार वाले हमसे दूर दूर रहते। हम दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन कभी भी परिवार का हिस्सा नहीं बन पाए। बस बिटिया, हम नहीं चाहते कि तुम दोनों भी वही सब झेलो जो हमने सहा है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे लगा आप भी दूसरे माता पिता की तरह पुरानी सोच की वजह से मुझे ना कह रहे हैं। हमारी खुशी तो हमेशा ही हमारी बेटी की खुशी में रही है, लेकिन अगर गौरव के माता पिता को सुहानी पसंद नहीं आई तो हम ये शादी नहीं होने देंगे। मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, इसलिए मैं वादा करता हूँ कि अब यहाँ आऊँगा तो अपने माता पिता के साथ ही। गौरव ने कह तो दिया कि वो अपने माता पिता के साथ ही सुहानी का हाथ मांगने आएगा, लेकिन सुहानी को डर था कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आया या सुहानी बेटा, एक कैसा हाल कर लिया तुमने अपना। लो बेटा कुछ खा लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। अरे तीन तीन दिन हो गए तुमने ठीक से खाना नहीं खाया। वही तो अम्मा, तीन तीन दिन हो गए, अरे गौरव ने ना तो मेरे को कॉल किया ना ही कोई खबर दी। शायद उसके माता पिता नहीं माने होंगे हमारे रिश्ते के लिए। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हाँ बेटा, मुर्गन साहब ठीक करेंगे। जानकी और सुहानी कमरे में बात कर रहे थे कि उन्हें नीचे ढोल की आवाज सुनाई देती है। आया या ढोल का आवाज कहाँ से आ रहा है? ये पापा भी ना मेरा मूड ठीक करने के लिए ढोल बजा रहे होंगे। चलो नीचे चलकर देखते हैं अम्मा। जानकी और सुहानी नीचे आते हैं तो देखते हैं कि गौरव ढोल बजा रहा था और उसके माता पिता भी उसके साथ थे। कहा था ना ढोल नगाड़ों के साथ आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। अरे सुहानी जरा यहाँ तो आओ, अपनी होने वाली सास के गले तो लग जाओ बहू। अरे भाई साहब मिठाई तो खिलाइए। बहन जी सच सच बताना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इनके रिश्ते से? अरे हमें क्या दिक्कत होगी भला, हमें तो रोज इडली भी मिलेगी और कचौरी भी मिलेगी खाने को। आइए सब लोग नाचते हैं, गौरव ढोल बजा।